वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाली यूट्यूबर भी मेरे साथ में ही है, खेलने में लगी हुई है। ये क्या किया आपने, ये क्या किया, ये क्या है, ये क्यों ले रखा है, ये कौन है, यहाँ पर कौन है गौरी? अच्छी, इतना गुस्सा क्यों आया है? मोनी, हाँ। और दीदी ने कब डांटा था आपको बताना, दीदी ने कैसे डांटा था बताओ, सबको बताओ कैसे डांटा था, ऐसे खोल के और मारा कैसे था, जल्दी बताओ। ये कपड़े किसने निकाले टब में से, किसने निकाले, इधर देखो, इधर देखो, इधर यहाँ पे बताओ, टब में से कपड़े किसने निकाले, नहीं पता। काऊआ, काऊआ बोलो, काऊआ बोलो, कौवा, क्या हूं, इधर आओ। एक दीदी वो वहां पे, मैं इसलिए यहां भाग कर आई थी, क्यों, देखिए मम्मी पे डांस कर, तो यहाँ पे करके दिखा दो, उसको डांस नहीं करना है। अच्छा तनु, गौरी से बातें करके दिखा दो यार, अभी वो बात करने के मूड में नहीं, उसको लेके जाओ उधर। अभी वो बात करने के मूड में। तो मैंने यहाँ पे लगा दी गौरी की क्लिप, मुझे मिल गई थी अभी। मेरे क्लच अंडा नीचे पड़े हुए हैं, तो नीचे जाने की हिम्मत नहीं थी, ये सामने दिखाई दी इसलिए मैंने लगा लिया। और यहाँ पर आजकल मैंने कुछ सब्जी ली थी, कल रात ली थी, तो कल रात को मैंने इसको नमक और सोडा डाल करके छोड़ दिया था पानी में। और अब ये मैंने दोपहर को निकाली है, पानी में थी इसलिए बिल्कुल ठीक है ये। और अब मुझे इनका पानी भी निकल चुका है, तो पूरी रात हो गई है इनको और आधा दिन हो गया है सैनिटाइज हुए। अब इनको सबको मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी। बीन्स ली हैं, बैंगन में ये वाला कभी नहीं बनाती हूँ, ये वाले बैंगन मैंने पहली बार लिए हैं। मैं बैंगन जो बनाती हूँ वो बड़े वाला भरते वाला बनाती हूँ। और शिमला मिर्ची, भिंडी, घिया, अब ये 4-5 दिन चल जाएंगी सब्जी, तो ये तो मुझे लगानी है फ्रिज में अभी। और आज मैं गई थी ग्रोसरी का सामान लेने, जो कि मैं आज तो दिखाऊंगी नहीं आप लोगों को, कल दिखाऊंगी, क्योंकि वो आज नीचे ही रखा हुआ है, आज मैं उसको खोलूंगी नहीं। यहाँ पे मुझे लग रहा है लाइट थोड़ी कम आ रही है ना, ऐसे ही ठीक है यार, मैं ऐसे ही बातें करूंगी। और हाँ, सामान लेने गई थी तो वो नीचे रखा हुआ है सैनिटाइज करने के लिए। और आज उन भैया से ना मेरी लड़ाई भी हो गई, अखरोट लेकर के आए थे ये, अखरोट में ना पता है बेकार निकल आए, तो ये वापस दे करके आ गए थे। और वापस के बाद में ये दूसरा पैकेट लेके आए, उन्होंने फिर से वही वाला दूसरा पैकेट भी वैसे ही दिया। फिर मैंने उनको बोला कि भैया ये चेंज करना है, आज मैं लेने गई थी सामान, तो उन्होंने चेंज करने से मना कर दिया। जहाँ से हमेशा राशन आता है उन्हीं के पास में गई थी, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, तो अच्छा सा नहीं लगता इस तरीके से कोई मना करे। तो मैंने उनको बहुत बोला कि भैया चेंज कर लो, तो बोले कि ऐसा चेंज नहीं होगा। एक्चुअली हुआ क्या ना, जब मैं उनके पास में गई राशन के लिए, तो अब से बातें करते करते मैं काम भी कर लेती हूँ, दाल साफ कर रही हूँ साथ में। तो जब मैं राशन लेने के लिए अंदर गई, पहले तो उनका जो गार्ड है उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, ठीक है। मैं दूसरी तरफ से चली गई, दो गेट हैं उनके, अंदर गई तो एक भैया सामान ले रहे थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। वहाँ के जो वर्कर थे उन्होंने नहीं पहना हुआ था, गमछा लपेटा हुआ था। मैंने उनको बोला कि भाई लगा लो, लगा लिया उन्होंने, गमछा लपेट लिया था, जो कि गलत है। और उसके बाद में यार सामान बदलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, तीन लोग थे, तीनों लड़ रहे थे, मतलब वहाँ के जो ओनर थे वो भी, और जो काम करते थे वो, और एक लड़की वो भी काम करती है, वो तीनों के तीनों वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे। तो उनका गुस्सा मुझ पर उतरा, उन्होंने बोला कि नहीं चेंज होगा। फिर बाद में हालांकि उन्होंने ले लिया कि ठीक है हम चेंज कर देते हैं, ले लिया। और लेने के बाद में बोले कि क्या प्रॉब्लम है, वो अखरोट की गिरी थी, तो जब वो खाई ना, वो उसमें मुंह में कड़वा टेस्ट हो गया और बिल्कुल वाइट हो रखी थी वो।
तो मैंने कहा भैया मैं कभी भी ऐसे चेंज नहीं कराती हूँ, क्योंकि हम लोग भी दुकानदार हैं, जब चेंज करते हैं ना तो बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन यार इतने महंगे थे वो, 300 कुछ रुपए के थे पैकेट में, तो जब हम ऐसे चेंज कराते हैं ना तो दुख होता है लेने वाले को, लेकिन जब खराब चीज है तो उसको नहीं मैं ले सकती ना। मेरे रस के पैकेट भी आए थे, अब क्या हो रहा है दुकानों पे ना सामान खत्म हो रखा है, तो ये रस का पैकेट भी वहीं से लेके आए, उसमें फूई लगी हुई थी, वो मैंने गायक को जो ठीक थे वो निकाल के दे दिए, जो बेकार थे वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। हालांकि मुझे नहीं डालने चाहिए थे, लेकिन बीमार होने से अच्छे कि उनको हटा दो। बूंदी का एक पैकेट, उसमें बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, उसका भी मैं क्या करती, उसको भी मैंने हटा दिया। मैंने उनको बोला, इनका भैया मैं बूंदी भी नहीं लेके आई हूँ, रस भी नहीं लेके आई हूँ, ये ज्यादा महंगी चीज थी और ये बदलो। उन्होंने ले लिया, लेने के बाद में बोलने लगे ऐसे नहीं करते हैं हम लोग, जब तक 4-5 लोगों की कंप्लेंट नहीं आती है तब तक हम लोग नहीं करते। मैंने बोला, मैंने कहा भैया मैं 4-5 लोगों को कहाँ से लाऊंगी, मैं अपने लिए लेकर गई थी और ख़राब निकला तो मैं चेंज करने आ गई पास। इसी बात हमेशा होम डिलीवरी देते हैं सामान के लिए, आज वो गुस्से में बोले कि ये सामान आप लेके जाओ। मैंने कहा मैं नहीं लेके जाऊंगी यार, इतना मैंने 20 किलो आटा लिया था, 20 किलो आटा हो गया था और सामान हो गया था, मैं भी कहाँ से मैं क्या नहीं लेके आ सकती थी। तो बोले कि ले जाने ले जाओ, मैंने कहा ठीक है, मैं गुस्से में छोड़ करके आ गई। मुझे भी गुस्सा आ गया जब इतना हो गया, कि जब हमेशा हम लोग राशन लेते हैं हर महीने का, 2 महीने में एक बार लाते हैं या महीने में एक बार लाते हैं, तो हमेशा वहीं से आता है। मैं भी आ गई, फिर आकर के इनसे फोन कराया, बेफालतू का मतलब झगड़ा, मूड खराब हो गया इस तरीके से। इन्होंने बात की तो फोन पे सीधे बोले, नहीं नहीं भैया जी ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने नहीं बोला था, वो ही बोल रही थी, मेरी गलती नहीं थी। मैंने कहा अगर पहली बात तो ठीक है, मेरी भी गलती हो सकती है, मैं मानती हूँ कि जब गुस्सा आता है तो गलती हो जाती है, लेकिन चेंज करना चाहिए था, ये बात थी, यार सारा मूड खराब कर देता। हालांकि वो दोबारा उन्होंने राशन पहुँचा दिया, क्योंकि गलती मानी और पहुँचा दिया था, वो मैं कल दिखाऊंगी। और मैं आप लोगों से यार ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ दीदी के चैनल पर जाकर, ठीक है हम लोगों का चैनल नहीं ग्रो कर रहा है ठीक है, लेकिन हम अपने लेवल पे, हम अपनी खुशी के लिए, कुछ लोगों की खुशी के लिए जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो वहाँ पे जाकर के बोलते हैं कि आप उनकी मदद नहीं करती हैं, तुम्हारी बहन मदद नहीं करती है, तुम्हारी बहन अकड़ू है, बिल्कुल मदद नहीं करती है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आपसे, उनके चैनल पर जाकर के ना फैलाएं, ऐसा गंद ना फैलाएं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं और लोगों की मदद करूँ, लेकिन मैंने जिसकी मदद की थी सबको पता है किसकी मदद की थी, और उन लोगों को फल भी मिला है। और सबसे बड़ी बात, किसी की मदद करने से कुछ नहीं होता, सब अपनी किस्मत होती है, चाहे वो बिजनेस हो कुछ भी हो। मैंने दीदी का भी कम्युनिटी में 2 बार डाला है, नहीं चला तो इसमें मेरी गलती नहीं है, और दीदी भी मुझसे फोर्स नहीं करती हैं, उनका भी, क्योंकि उनकी भी खुद की दुकान है, वो अपनी दुकान पे बिजी रहती हैं, कई बार नहीं वीडियोस बना पाती हैं। तो यार पता है इरिटेट हो जाता है बंदा, वो दीदी मुझे बोलती हैं कि कोमल वो लोग बोल रहे हैं तो मदद नहीं करती, मदद नहीं करती, मैं कैसे समझाऊं बार बार, और दीदी भी कितनी बार वीडियो में बोल चुकी है ये बात, मदद दिखाकर नहीं की जाती है ठीक है। और कई बार इतने, वो तो मेरी बहन है, कई बार ऐसे एहसान फरामोश बंदे भी होते हैं कि हम मदद भी करते हैं और पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ में ऐसे जुड़े हुए, तो अब मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मैं किसी से मतलब नहीं रखती हूँ, क्योंकि अच्छाई का जमाना नहीं है बिल्कुल भी। यार मैं बातें करने बैठ गई हूँ तो बिल्कुल बातें नहीं होंगी। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल, ये वाली लाल वाली, और करेले, और साथ में क्या बनाऊंगी मैं, देखती हूँ सोयाबीन की बड़ी बना पाई तो बनाऊंगी, वरना करेले और दाल तो बनाने हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, अब मैंने दाल बनानी है, तो दाल मैं कुकर में डाल रही हूँ, धो के रखी हुई थी मैंने, 3-4 बार धो दी थी, और इस वाली दाल में ज़्यादा सीटी तो लगती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटी, और अगर धीमी गैस पे लगाती हूँ तो 1 सीटी। तो यहाँ पर दाल चढ़ा दिया, उसमें मैं डाल दूँगी हल्दी और नमक, और हल्दी और नमक डालने के बाद में इसमें पानी डाल करके और ढक्कन बंद कर दूँगी। इसमें मैंने हींग भी डाली है थोड़ी सी, क्योंकि गौरी को उबली हुई दाल देनी है, लेकिन गौरी उबली हुई दाल नहीं खाई गौरी ने, वो मुझे ही खानी पड़ी। और इसके बाद में मैंने प्याज वगैरह निकाल ली हैं,
तड़का लगाने के लिए। मेरे को करेला भी बनाना है साथ में, तो मैंने मिर्ची भी ली है, आंबे भी ली है और टमाटर लिए हैं दाल के लिए। मतलब दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। और होता ही है, हर एक लेडीज इसी तरीके से करती है कि दो चीज़ें बनानी होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही काट लेते हैं हम लोग प्याज टमाटर वगैरह। तो मैंने आंबे भी काट करके रख ली है, प्याज भी काट के रख ली है, साथ में ये मिर्चियाँ हैं। तो मिर्ची मेरे हाथ में लगती है, इस वजह से मैं पहले तेल लगा लेती हूँ। और कभी भी मैं पतली मिर्ची नहीं काटती हूँ, बीच में से काटती हूँ और इसी तरीके से मैं सब्जियों में डालती हूँ। इससे मेरे को फ़ायदा ये रहता है कि अगर इन लोगों को मिर्ची नहीं खानी होती है हरी मिर्ची, तो ये साइड से निकाल देते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी मिर्चियाँ होती हैं उसे निकाला नहीं जा सकता, ढूंढते रहते हैं और ये गुस्सा करते हैं जब इनके मुँह में आ जाती है, तीखी लगती हैं। तो वैसे ये वाली मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं है, अचार वाली मिर्ची हैं इसलिए। और मैंने प्याज और जो आंबी काटी थी वो मैंने करेले में डाल दिया। ये मेरा जल्दी वाला करेला है, जब मुझे बहुत जल्दी होती है तो मैं इस तरीके से करेला बनाती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है, आने वाले हैं और कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे चावल भी रखे हुए थे कुछ, सुबह बनाए थे, तो वो वाले चावल मैं फ्राई कर रही हूँ तन्नू के लिए। देसी घी डाल दिया था मैंने और इसमें नमक मिर्ची और धनिया वो डाला है। इसी तरीके से मैं करेले में डाल रही हूँ नमक मिर्ची हल्दी धनिया और लाल मिर्ची। तो ये सब डाली हैं मसाले मैंने करेले में। इधर चावल फ्राई कर रही हूँ तो चावल को मैं चला दूँगी। फ्रिज में से निकाले हुए थे, थोड़ी देर बाहर रखे थे लेकिन गांठें आ जाती हैं, तो इसलिए मैं इसको तोड़ रही थी। चावल भी यहाँ फ्राई हो चुके हैं हींग जीरे में, और इसमें मैं मसाला भी साथ के साथ मिला दूँगी। दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। इस तरीके से करेले बनाने से टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। तो मैंने कढ़ाई रख ली है, तेल भी गरम कर लिया है, हल्का सा हींग डाला है। हींग डालने की मेरी आदत है और अच्छी भी रहती है हेल्थ के लिए। तो पहले मैंने ये मिर्चियाँ डाल दी हैं, इनको हल्की हल्की सी फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की। जब ये फ्राई सी होने लग जाएंगी फिर जो मैंने करेला काट करके रखा था मसाला मिला करके वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और जो भरवा करेले का टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है, लेकिन खाने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से बनाया है तो अजीब लगेगा, नहीं। तो ढक करके रख दिया था और अब मैंने निकाल करके देखा है इसको कि ये कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पकने लग गए हैं, और क्योंकि इस तरीके से प्याज डाली है तो कलर इतना नहीं आता है। अगर आप अलग से फ्राई करके प्याज डालते हैं तो उसमें कलर ज़्यादा आता है। और करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। इधर मैं दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर दाल के लिए मैंने घी ले लिया है और हींग डाला है और जीरा डालूँगी। और साथ में इसमें मैं जो मैंने प्याज काट करके रखी हुई थी वो प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन भी डालूंगी और थोड़ी सी मैंने इसमें आंबियाँ भी डाली हैं। आंबी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में कभी हम डालते हैं तो। तो यहाँ पर ये देखिए प्याज जब भुनने लग जाएगी और उसके बाद में मैं इसमें टमाटर भी ऐड करूंगी। टमाटर मेरे पास रेड वाले नहीं हैं, हल्के से ग्रीन वाले बचे हुए हैं अभी, क्योंकि टमाटर वाला भी नहीं आ रहा और मैं ले भी नहीं पाई, बीच में आया था। तो यहाँ पर इनको मिला करके अच्छे से पकने दूंगी, ग्रेवी तैयार होने दूंगी। तो लहसुन मैंने अब ऐड किया है इसमें, क्योंकि अब आजकल भी मना करते हैं बिना लहसुन की सब्ज़ी नहीं खानी है। लहसुन ज़रूर डालो इस टाइम पे, लहसुन बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो नमक मिर्ची, नमक दाल में डालोगे तो इसमें भी हल्का सा मैंने डाला था, मिर्ची और धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। और अब ये बन करके तैयार हो चुकी है, इसमें मैंने दाल ऐड कर दी है। तो ये तीनों के लिए हम लोगों के लिए बहुत है और इसमें से बचेगी भी दाल। कई बार होता है कि मेरा मन करता है तो मैं बिना रोटी के दाल को पीती हूँ, मैं पीने का मन करता है, अच्छी लगती है। और यहाँ पर कसूरी मेथी ऊपर से डाल दी है मैंने। और अब रोटियाँ बनाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो रोटियाँ बना रही हूँ मैं। और ये मैंने आटा लगाते ही तुरंत के तुरंत रोटी बनाने लग गई थी, इस वजह से रोटी ऐसे बन रही है, अदरवाइज़ फूली फूली रोटियाँ बनती हैं। और जैसी बन रही है मैंने वीडियो में, फिर मैंने कोई एडिट नहीं किया, जैसी बन रही थी मैंने कहा यार बनने दो, क्योंकि सब लोग अपने ही हैं और हर किसी के साथ में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है, हर चीज़ एक बार में परफेक्ट नहीं बनती है। तो चलिए बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। और अपना ध्यान रखिएगा।
तो इस टाइम पे तो बस घर पे रहिए और सेफ रहिए, सेफ्टी से रहिए, अपना और बच्चों का और बड़ों का ध्यान रखिए। बड़े और बच्चों को तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बनता है। तो और गौरी के चैनल पर भी जाइएगा, और मेरे दूसरे चैनल पे देखना चाहते हैं आप विनेशन कोमल के नाम से, उस पर भी जा सकते हैं आप। और गौरी के चैनल का लिंक जो है वो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो ज़रूर जाइएगा, जाकर के चेक कीजिएगा, वहाँ पर गौरी की वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो चलिए, हमारा डिनर तो बन करके तैयार हो चुका है और आपको ये वीडियो भी डिनर के टाइम पे ही मिलेगी। तो डिनर करते करते तो मत देखिएगा, वीडियो को अलग से देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।